नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के लिए यूटीए द्वारा सेल्फ लॉकडाउन की अपील की गई थी। इस अपील के चलते 1 जुलाई को हमने शहर के कैंप क्रमांक 1 से कैंप 5 तक का दौरा किया, जहाँ हमने देखा कि शहरवासियों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा कि यूटीए द्वारा आखिर क्यों इस सेल्फ लॉकडाउन की अपील की गई है। शहर में कुछ दुकानें बंद भी थीं तो कुछ दुकानें खुली भी मिलीं, जहां शहर में सोशल मीडिया में कुछ फुटेज भी देखे गए जिनमें यूटीए और टीओके के पदाधिकारी शहर में दुकानदारों को हाथ जोड़कर सेल्फ लॉकडाउन करवाते दिखे। हम आपको बता दें, शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 तक पहुँच चुकी है और 48 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। उससे भी ज़्यादा, शहर में अब सस्पेक्टेड कोरोना मरीज बोलकर लोगों का सही इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसे वीडियो भी देखने को मिल रहे कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी लोग जो ऑक्सीजन और सही इलाज न मिलने के कारण इनकी मृत्यु भी हो रही है। इन्हीं वजहों से यूटीए और टीओके की तरफ से सेल्फ लॉकडाउन की अपील की गई थी कि शायद ऐसा करने से कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जाए। इस सेल्फ लॉकडाउन से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, पर शहर में बढ़ते मरीजों को देखते हुए यह अपील की गई थी। शहर में कल एक और सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि मनपा आयुक्त से शहर के प्रतिनिधियों की एक मुलाकात हुई थी, जिसमें शहर में लॉकडाउन करने की बातों पर चर्चा हुई। पर यह बताया गया कि आयुक्त ने कहा कि शहर में अब वह समय नहीं आया है कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी होंगी तो लॉकडाउन किया जाएगा। पर 1 जुलाई शाम होते होते मनपा की तरफ से शहर में 2 जुलाई शाम 5 बजे से लॉकडाउन करने का आदेश आ जाता है, तो अब क्या शहर की परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं? उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।